हे फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेके आई हूँ बिहार का एक और स्पेशल सत्तू पराठा का रेसिपी, जिसे बिहार में मकनी भी कहा जाता है, जो खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और साथ में हेल्दी भी होती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो पराठे के लिए सबसे पहले हम मिक्सचर बना लेंगे। तो पराठा का मिक्सचर के लिए हमने यहाँ पर 100 ग्राम चना का सत्तू ले लिया है। अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन और 2 हरी मिर्च का पेस्ट। आप चाहे तो इसे बारीक भी काट कर डाल सकते हैं, मैंने इसको हल्का सा ग्राइंड कर लिया था। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे एक मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज, थोड़ा सा हरा धनिया पत्ता, साथ ही में डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, हल्दी और सबसे लास्ट में हम इसमें डालेंगे अचार का मसाले वाला तेल। आप चाहे तो इसके जगह पे सरसों तेल और नींबू भी डाल सकते हैं खटाई के लिए। अगर आपके पास अचार का तेल नहीं है तो आप इसमें सरसों का तेल ज़रूर डालें, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। इस मिक्सचर में पानी का यूज़ बहुत ही कम करना है। पानी का यूज़ इसलिए करेंगे हम ताकि ये पूरा सूखा ना रहे, बस हल्का सा नमी लाना है हमें ताकि ये पराठे से बाहर ना आए। तो पराठे के लिए मिक्सचर हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब चलते हैं पराठे के लिए आटा लगाने। तो मैंने यहाँ पे 200 ग्राम गेहूं का आटा ले लिया है। आप चाहे तो इसमें आधा मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे नमक और कलौंजी। आप चाहे तो कलौंजी को स्किप कर सकते हैं, पर कलौंजी से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो आटा को हमें ना ज़्यादा सख्त लगाना है और ना ही ज़्यादा नरम लगाना है। जैसे हम नॉर्मल रोटी के लिए बनाते हैं वैसे ही हमें नॉर्मल ही आटा गूंदना है। आप चाहे तो आटे के जगह पे मैदा भी ले सकते हैं और इसी मिक्सचर से हम कचौरी भी बना सकते हैं, पर हमें यहाँ पे पराठा बनाना है इसीलिए हमने बस गेहूं का आटा लिया। तो ये हमने आटा भी गूंद लिया है। अब इसको हम रेस्ट करने के लिए रख देंगे। 10 मिनट के बाद हम फिर पराठा बनाना शुरू करेंगे। तो ये बस 10 मिनट हो चुका है, आटा को हम फिर से सेट कर लेते हैं और फिर बनाना शुरू करेंगे पराठा। अब हम क्या करेंगे, मीडियम साइज़ के लोई ले लेंगे और उसको हम नॉर्मली जैसे गोभी पराठा आलू पराठा बनाते हैं उसी तरीके से सत्तू का मिक्सचर भी इसमें हम स्टफ़ करेंगे। तो मैंने यहाँ पे कटोरी का साइज़ शेप दे दिया है और इसमें मैं फिल करूँगी सत्तू का मिक्सचर। तो ये मैंने 2 चम्मच एकदम बीच में डाल दिया है, हल्का सा उसको प्रेस करते हुए, और इसको हम चारों साइड से घुमाते हुए बंद करेंगे, बिल्कुल इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ। आप को जैसे भी आता है आप वैसे कर लीजिए। उसके बाद ये हमारा स्टफिंग बिल्कुल तैयार है। आप चाहे तो इसको अब बेल कर पराठा बना ले या फिर इसको कचौड़ी की तरह भी तल कर खा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पराठे के लिए इसको बेल लेती हूँ। तो सबसे पहले हमें इस तरीके से हल्का सा दबा देना है ताकि स्टफिंग हमारा चारों तरफ से स्प्रेड हो, उसके बाद हम इसको बेलेंगे। तो ये हमने बेल लिया है, अब चलते हैं इसको सेकने के प्रोसेस में। तवा को मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था, तो ये अब मैं सेक लेती हूँ। आप चाहे तो पराठा को ऐसे ही रोटी के तरह भी सेक कर खा सकते हैं या फिर उसमें तेल या घी लगाकर भी खा सकते हैं। मैं यहाँ पर तेल लगा रही हूँ, आप चाहे तो घी भी लगा सकते हैं। तो पराठे को हम यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे ही सेकेंगे, क्योंकि अगर हम लो फ्लेम पे सेकेंगे तो वो बहुत ही सख्त हो जाएगा और अगर हम हाई फ्लेम पे सेकेंगे तो वो कच्चा ही रह जाएगा। तो दोनों तरफ से हम इसे उलटते पलटते हुए अच्छे से सेक लेंगे और इसी तरीके से हम अपने सारे पराठा को बना लेंगे। तो इस पराठे के साथ टमाटर का चटनी बनाया जाता है, जिसका रेसिपी मैं किसी और दिन शेयर कर दूंगी। तो आप सब भी एक बार सत्तू का पराठा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही कम चीज़ों में और बहुत ही कम समय में बनकर तैयार हो जाती है और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट बनती है। तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और कैसा लगा आप सभी को हमारा रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, ऐसे ही नए नए रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।